बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाना चाह रहे हैं 3 kg वाशिंग पाउडर। और 3 kg वाशिंग पाउडर के फार्मूले के लिए हमारे पास है TSP 150 ग्राम, CMC 100 ग्राम, टीनोपाल 50 ग्राम, TSPP 150 ग्राम, SLS 50 ग्राम, सोडा ऐश 2 kg और 20 ग्राम हम इसमें डालेंगे लिक्विड सोडियम सिलिकेट। और हमारे पास है तकरीबन 300 ग्राम एसिड सोलरी, तो इनसे हम अपना वॉशिंग पाउडर तैयार करेंगे। और इसके अलावा हमें ज़रूरत है एक बड़े से बर्तन की, जिसमें हमने वॉशिंग पाउडर बनाना है। ये प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर स्टील का। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सोडा ऐश, ये दो केजी है। सोडा ऐश डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम सोडियम सिलिकेट लिक्विड। ये तकरीबन 20 ग्राम डाल दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन सौ ग्राम एसिड सोलरी। अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप इस तरतीब से बनाएंगे ही तो आपका वॉशिंग पाउडर बेहतर बनेगा। इस प्रोसेस में आपके तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसे अच्छी तरह आपने बनाना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें दूसरी चीज डालेंगे। आप अगर हाथों से करना चाहें तो ग्लव्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरा वॉशिंग पाउडर टेम्परेचर रिलीज़ कर रहा है, ये ऐसे ही टेम्परेचर रिलीज़ करता है। बाज़ दोस्त इसमें
कास्टिक सोडा की लाइट डालते हैं। अगर वो ना भी डालें तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर कास्टिक सोडा की लाई ज़्यादा डल जाए तो फिर आपका वॉशिंग पाउडर कपड़ों के कलर को नुकसान देगा। देखें काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है। अगर आप मशीन में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। जहाँ ये आधे घंटे में तैयार होगा, मशीन में ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो सकता है। इसे जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मैं इसमें नेंसा पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने घर में इस्तेमाल करना है। जो दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं वो इसमें नेंसा पाउडर भी डाल सकते हैं। नेंसा पाउडर जो वॉशिंग पाउडर में कलरदार दाने से नज़र आते हैं वो नेंसा पाउडर ही होता है। अब हम इसमें डालेंगे TSP। बाज़ इलाकों में पानी नमकीन होता है तो ये नमकीन पानी को मीठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे धुलाई अच्छी होती है। ज़्यादा नमकीन पानी से धुलाई साफ़ नहीं होती। अब हम इसमें डालेंगे TSPP। TSPP के बाद हम इसमें डालेंगे CMC। ये मैल मिट्टी को गलाने का काम करता है। जिस पाउडर में CMC इस्तेमाल किया हो उसमें कपड़े कम से कम आधा घंटा भिगो के रखने चाहिए। CMC आप अपनी प्रोसेसिंग के बाद ही डाला करें, इससे इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसमें मार्केट के कंपटीशन के लिए जो चीज़ डाली जाती है वो होती है टीनोपाल। टीनोपाल हमारे वॉशिंग पाउडर को क्रिस्टल और चमकदार बनाती है। अब हम इसमें टीनोपाल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम SLS पाउडर। ये मेरे पास 50 ग्राम SLS पाउडर है। ये भी झाग बनाने का काम करता है। एसिड सूलरी भी झाग बनाने का काम करती है। एसिड सूलरी और सोडा ऐश के बगैर तो कोई वॉशिंग पाउडर होता ही नहीं। दोस्तों मैं तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर चुका हूं। आपका वक्त बचाने के लिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब मैं इसे कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करूंगा
और हमारा ये वॉशिंग पाउडर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।